हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए संसार। आई एम शिवांगी मित्तल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अभी अपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने सैलरी इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स व्हिच इज डीम्ड टू इग्नोर राइज इन इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि हमने जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के तीन सब पार्ट हो गए, पार्ट ए बी सी। तो पार्ट वन हम जो पार्ट ए है वो हम ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं, विच इज सैलरी ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। ये हमारा पार्ट बी है जहाँ पे हम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम के बारे में आगे बात करेंगे। एंड इसके बाद हमारा एक थर्ड पार्ट अपलोड होगा जो कि बात करेगा किसके बारे में, टेक्निकल सर्विसेज के बारे में एंड कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, आगे की इनकम के बारे में डिस्कस करेगा। सो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपना डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम के बारे में अपना डिस्कशन। तो अब ये डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अब क्या होता है कि कई सारी फॉरेन कंपनीज होती हैं जो इंडिया में शेयर्स हेल्प करती हैं, चाहे सब्सिडरी भी अपनी बना सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसी फॉरेन कंपनीज को अगर जो इंडियन कंपनी है वो डिविडेंड पे करती है तो अपनी इनकम का एक हिस्सा निकाल के वो फॉरेन कंपनी को दे देते हैं। सो इफ फॉरेन कंपनी को दे देते हैं और ये चीज टैक्सेबल भी होती है, अर्लियर इस पे डिविडेंड डीडीटी भी पे होता था और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करते थे। मैं उस टैक्सेशन पार्ट पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज अदरवाइज डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंपनी गिव्स डिविडेंड टू अ फॉरेन कंपनी। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट। ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो एक इंसान का दूसरे इंसान में होता है, ये इंटरेस्ट वो है जो हम अर्न करते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है वो कैसे अर्न कर सकता है, हाउ कैन अ पर्सन अर्न इंटरेस्ट इनकम? तो अगर या तो लोन देगा या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सपोज करो मैं लोन देती हूँ किसी को और से 20 लाख का लोन दिया, अगर हुए तो पैसे, तो अगर 20 लाख का लोन दिया और मेरा इंटरेस्ट से 10% का मेरा इंटरेस्ट है तो 2 लाख का मेरा इंटरेस्ट आया। तो 2 लाख का जो इंटरेस्ट है ये मेरी इनकम होगी। तो मतलब वो जो पर्सन है वो मुझे कितने रुपीज पे करेगा, वो मेरे को 22 लाख पे करेगा, क्योंकि 20 लाख रुपए तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% मेरा इंटरेस्ट रेट है। तो 20 लाख का 10% इज 2 लाख, तो मेरे पास कितने आएंगे, 22 लाख रुपए आएंगे। और जो 2 लाख रुपए है वो मेरी क्या होगी, मेरी इंटरेस्ट इनकम होगी। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि बहुत कॉमन है कि हम लोग एफडीज कराते हैं और हम लोग पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में भी पैसा बड़ा रहता है तो बैंक भी सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा दे देता है, 2%, मतलब 2.75% अगर एसबीआई की बात करूँ या बाकी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो उस रेट पे हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल ही जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से भी हम इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज आगे इसका पर्पज है। सो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट वाले पॉइंट को, विच इज पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 915 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय। अगर इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, हम यहाँ पे पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। जो सेक्शन 915 बेसिकली इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, अगर ये लोग पे करते हैं तो ये जिसको पे कर रहे हैं हम उसकी इनकम मान लेंगे। कौन कौन लोग, 3 केसेस हैं, तीनों केसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे बिकॉज ये हमारा बेस होगा पॉइंट नंबर 6 एंड 7 के लिए भी। तीनों सेक्शन सेम ही तरीके के हैं, सेम ही सिमिलर ही लाइन है तीनों में, जस्ट थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज है। इट्स जस्ट तो 5th पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं एंड देन 6th एंड 7th अपने आप कवर हो जाएगा। तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय, हम यहाँ पे पेबल मतलब हम किसको, कौन पे कर रहा है, बेसिकली पेयर के बारे में हम देख रहे हैं, पे पे हम नजर नहीं डाल रहे। वी आर फोकसिंग ऑन द पेयर, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द पे। ओके, तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय, इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, या तो गवर्नमेंट या फिर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। कंडीशन के बारे में मैं बाद में आऊंगी। अगर ये लोग पे करते हैं तो हमारा इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। किसको पे करेंगे, या तो नॉन रेजिडेंट को या रेजिडेंट को। रेजिडेंट को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज अगर हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम नॉन रेजिडेंट के केसेस ही डील करेंगे।
So we are talking when we are talking about section 9, we are focusing on non-residents only. और ये video ही basically non-resident के ऊपर ही है. अब ये जो तीनों केसेस हैं, मैंने इनको एग्जाम्पल पे बनाया है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम ये जो कंटेंट लिखा है उसके बारे में समझेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है तो वो हमारा डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट अवर केस नंबर 1 विच इज इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट. सो ये हमारी गवर्नमेंट है, उसने यूएसए में एक पर्सन है जो कि नॉन रेजिडेंट है. यूएसए में पर्सन है जो कि नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया कि उसने क्या किया, लोन दिया. लोन गिवन बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ रुपीज 50 लाख एट द रेट ऑफ 10% टू गवर्नमेंट. उसने गवर्नमेंट को लोन दिया एंड गवर्नमेंट को लोन देने दिया 50 लाख रुपए का और 10% के इंटरेस्ट पे दिया. ठीक है, उसने गवर्नमेंट को लोन दिया 50 लाख रुपए का और 10% के इंटरेस्ट पे दिया. अब जो गवर्नमेंट है वो इस लोन पे उसको इंटरेस्ट भी देगी, कितना, 5 लाख रुपए का. तो इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख इज पेबल बाय गवर्नमेंट टू नॉन रेजिडेंट. जो गवर्नमेंट है वो नॉन रेजिडेंट को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देंगी. तो जो मेरा सेक्शन 915 है उसका जो पहला पॉइंट आता है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो मेरा डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया माना जाएगा, चाहे वो हम रेजिडेंट को दे रही हो, आरओआर को दे रही हो, आरएनओआर को दे रही हो, या फिर हम नॉन रेजिडेंट को दे रही हो. तो इस केस में हम किसको दे रहे हैं, हम इसमें नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं. तो क्या ये मेरी इनकम टैक्सेबल है? यस, रुपीज 5 लाख इंटरेस्ट इज डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9. तो ये किसकी टैक्सेबल है? ये जो मिस्टर जॉन है उनकी ये इंटरेस्ट इनकम मेरी टैक्सेबल हो जाएगी. अच्छा, क्या इस गवर्नमेंट तो जो भी जब भी ये इंटरेस्ट पे करेगी तो क्या इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस. इंटरेस्ट तो 10,000 से ऊपर जब भी हम पे करते हैं वैसे ही टैक्सेबल टीडीएस की लाइबिलिटी बन जाती है. तो ऑब्वियसली इस पे हमारा टीडीएस भी गवर्नमेंट काट कर ही उसको पे करेगी. लेकिन आपको पता है कि जब भी हम नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि दे बेसिकली आस्क फॉर द फुल पेमेंट एंड वांट, मतलब हम लोग वो चाहते हैं कि जो इंडियन लोग हैं, जो हम इंडिया में हैं, वो फुल कॉस्ट पेयर करें, बिकॉज दे डोंट वांट कि हम वो टैक्स उसमें जाए एंड देन DTEE के क्लॉज में जाए, फिर वहाँ पे भी उनको एक रिटर्न फाइल करनी होती है. तो बेसिकली उनको ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना होता. उन्होंने 5 लाख दिए हैं, उन्होंने 50 लाख दिए हैं, उनको 55 मिलने, तो दे वॉन्ट 55 लाख ही. तो अगर गवर्नमेंट है वो 5 लाख दे रही है तो उनको 5 लाख वो चाहिए ही चाहिए. वो उनको TDS वगैरह, हम बात तो करते हैं TDS की क्या, बट वो प्रैक्टिकली होता है? द आंसर इज नो. बिकॉज मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि दे वॉन्ट कि मेरे को फुल पेमेंट चाहिए. लाइक मैं अभी कुछ टाइम पहले आई वॉज मेकिंग अ पेमेंट टू एन एडवोकेट जो कि बाहर के थे, तो उनको TDS बियर करना था. तो मतलब एक बाहर के युगांडा में मैं पेमेंट कर रही थी, तो उसमें हम उस पर्सन को TDS डिडक्ट होना था. तो फिर TDS क्या हमने खुद से बियर कर दिया? बेसिकली जो इंडियन पार्टीज है वो खुद से बियर करती है. कैसे बियर करती है? ग्रॉसअप करके, कि हम ये अमाउंट निकालते हैं, ऐसी अमाउंट निकालते हैं कि जिससे TDS डिडक्ट करके 5 लाख की अमाउंट आ जाए एंड देन वो हम खुद से ही बियर करते हैं. बट ऐसा क्यों करते हैं हम नॉन रेजिडेंट, ऐसा क्यों करते हैं कि 5 लाख TDS क्यों नहीं डिडक्ट कर सकते? क्योंकि ये तो हमारे इंडियन के लॉज हैं. क्योंकि फिर नॉन रेजिडेंट बोलते हैं जाके किसी और से ले लो लोन, मेरे को नहीं देना, तुम जाके किसी और से कर लो. अब बाहर से लोन लेने का क्या फायदा होता है? बाहर से लोन लेने का ये फायदा होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं. अगर आप जो भी डेवलपिंग कंट्रीज देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज देखो, वहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट होता है, चलो इंडिया में अगर मैं बैंक इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो 2.70% है अगर मैं SBI की बात करूँ एट प्रेजेंट. ठीक है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ. तो अगर
दैट मीन्स जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, और अगर मैं यूएसए के बैंक अकाउंट की बात करूँ तो वहाँ पे 0% इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको कोई बैंक में पैसे रखने के आपको कोई पे नहीं करना होता, रेदर आपके बैंक चार्जेस कट जाते हैं अगर आपने इधर उधर पेमेंट करी, और वो भी स्टैंडर्ड कटते हैं, $30, $5, ये तो बहुत मिनिमम सा अमाउंट है जो उनका डिडक्ट होता ही होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत कम है, बिकॉज डेवलप्ड कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं करती हैं। एंड जैसे जैसे आप इंडिया की भी बात करो, अगर FD के इंटरेस्ट को ही देखो तो पहले 8% था, फिर 7% था, फिर 6% हुआ, फिर 5% हुआ, मतलब 5% हुआ नहीं है बट हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये पर्पस क्या है इंटरेस्ट रेट कम करने का? बिकॉज एज सून एज जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होने लगती हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है। इसका एक रीजन होता है रिवर्स रेपो रेट, बट दिस इज नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम भटक गए थे, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि अगर ये जो इंटरेस्ट ऑफ 5 lakh rupees है इज पेबल बाय गवर्नमेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो 5 lakh का जो इंटरेस्ट है वो इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। केस 2 के बारे में बात करते हैं। एक पर्सन हु इज अ रेजिडेंट, एक पर्सन जो कि रेजिडेंट है, अगर वो इंटरेस्ट पे करता है किसी नॉन रेजिडेंट को तो वो हमारा टैक्सेबल मान लिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मिस्टर जॉन जॉन ने जो लोन दिया, ठीक है, एंड मैंने वो उनको पे कर दिया, तो मेरा जो अमाउंट है, देखो ये मिस्टर जॉन है, उन्होंने लोन गिवन बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ ₹50 lakh, ये उन्होंने विजय माल्या को लोन दिया जब वो उस वक्त रेजिडेंट थे, और उन्होंने दिया 50 lakh rupees का एट द रेट ऑफ 10%। अब विजय माल्या पता नहीं उसने दिए या नहीं, बट जो इंटरेस्ट ऑफ 5 lakh rupees है इज पेबल बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट को वो नॉन रेजिडेंट को देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 lakh rupees है ये मेरा टैक्सेबल होगा, ये हम इनकम मान लेंगे किसकी, मिस्टर जॉन की। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि इनकम तो मान ली लेकिन इसका तो पैन ही नहीं है, फिर आइडिया कैसे जाएगी एंड ऑल, ये बाकी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली कि ये चीज चलती कैसे है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ ₹5 lakh इज पेबल बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, मतलब विजय माल्या जी जो हमारे हैं उनको रेजिडेंट हैं और वो नॉन रेजिडेंट को 5 lakh rupees इंटरेस्ट देंगे विद जो 50 lakh का लोन दे रखा है, तो बेसिकली उनको टोटल पेमेंट कितनी करनी है 55 lakh rupees की। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन क्या आती है, वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेब्ट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लोन लिया, मतलब विजय माल्या जी ने लोन लिया और जो जो मेरे मैंने लोन लिया वो मैंने यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया। विजय माल्या जी ने जो लोन लिया वो जो लोन है, जो लोन का पैसा आया 50 lakh rupees, वो उन्होंने यूटिलाइज करा, उनका से दुबई में कोई बिजनेस था उन्होंने वहां पे यूटिलाइज करा, ठीक है। इंडिया में बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हुआ है लोन का अमाउंट, तो क्या वो इनकम टैक्सेबल होगी, क्या वो इनकम हम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया करेंगे? द आंसर इज नो। तो बेसिकली कहाँ पे लोन का यूज हो रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। तो लोन का यूज कहाँ पे हो रहा है, अगर वो लोन मैंने लिया, विजय माल्या जी रेजिडेंट है इंडिया के बट उनका दूसरा बिजनेस है जो दुबई बेस्ड है, तो और उन्होंने वो जो लोन का अमाउंट है भले ही इंडिया में रिसीव करा हो, भले ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे हुए हो, लेकिन वो जो लोन का अमाउंट है वो उन्होंने यूज करा दुबई में अपने किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए, तो क्या वो अमाउंट हम इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया करेंगे? जो इंटरेस्ट अमाउंट आई थी 5 lakh rupees की, द आंसर इज नो, वो टैक्सेबल नहीं होगी एज पर सेक्शन 915। और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, या फिर ऐसा कि सपोज कोई दुबई या लंदन में उनका कोई इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने और ताकि वो अर्न कर सके वहां से कोई इनकम, तो ऐसे केसेस में उनका
जो ये ऐसे केसेस में, ये दो केसेस में उनका जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर से समझते हैं इस केस को, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो समरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि यूसेज ऑफ लोन भी देखना है, यूसेज ऑफ लोन भी देखना है कि क्या हमने लोन को कहाँ पे यूज किया है। ठीक है, सो ये बेसिकली मिस्टर जॉन है। मिस्टर जॉन ने विजय माल्या को लोन दिया 50 लाख रुपए का, 10% के इंटरेस्ट पे। अब विजय माल्या को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट देने हैं एज ए रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट देंगे। तो जो 5 लाख रुपए है, क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? द आंसर इज येस। अगर लोन कहाँ पे यूज हुआ है मिस्टर जॉन की, वो इनकम टैक्सेबल होगी। द आंसर इज येस, अगर वो जो लोन है वो यूज हुआ है इंडिया के बिजनेस के लिए या इंडिया में किसी भी चीज के लिए। ठीक है, बट अगर विजय माल्या जी ने वो लोन यूज करा है अपने किसी बिजनेस के लिए, जो कि उनका बाहर सेटअप है, या फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कुछ भी अदर सोर्स जो उन्होंने बाहर के लिए करी है, ठीक है, तो क्या अगर वो उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं मिस्टर जॉन को 5 लाख रुपए का, तो क्या ये तब इन केस में जहाँ पे यूसेज ऑफ लोन इंडिया में नहीं है, तब क्या इस केस में 5 लाख रुपए मिस्टर जॉन के टैक्सेबल होंगे? द आंसर इज नो, इस केस में टैक्सेबल नहीं होंगे। अच्छा, ये यूसेज ऑफ लोन वाली चीज आई क्यों है? तो बेसिकली अगर मैं जनरल सेंस में बोलूँ इस चीज को, कि यूसेज ऑफ लोन वाली चीज इसलिए आई है कि गवर्नमेंट की मान के चल रही है कि अगर इंडिया में कोई अमाउंट यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स इंडिया में कुछ इनकम जनरेट हुई है। बट अगर कोई अमाउंट जस्ट आया है एंड देन आगे जाके से इंडिया में आया एंड देन आगे भेज दिया, तो उसमें कहाँ इनकम जनरेशन हो? वो तो जस्ट इधर से आया और उधर से गया, वो वाली बात होगी। तो उसमें इनकम जनरेशन नहीं आती, इसलिए यूसेज ऑफ लोन हम कंसिडर करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, ए पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को पैसे दिए, तो क्या इस केस में इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? होगा, अगर ये वाले हम दो पॉइंट में अगर हम फॉल कर जाते हैं। ठीक है, फिर से समझो, एक नॉन रेजिडेंट ने, यूएसए के मिस्टर जॉन है, दुबई में कोई शेख थे, उन्होंने लोन दिया, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया, तो क्या वो इनकम टैक्सेबल होगी अगर आप दो केस पे फॉल करते हो? वो केस कौन सा है? तो ये मेरे मिस्टर जॉन है जो कि यूएसए में है, और इंडिया के लिए वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है। तो जब भी मैं यहाँ पे एक और चीज, जब भी हम यहाँ पे नॉन रेजिडेंट बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या यूएसए के लिए भी वो नॉन रेजिडेंट है? यूएसए के तो वो रेजिडेंट है ना, तो इंडिया में वो नॉन रेजिडेंट हुए। ठीक है, एक ये मिस्टर जॉन है, उन्होंने यूएसए, नॉन रेजिडेंट नहीं, इन्होंने, ये कोई नॉन रेजिडेंट है दुबई के, मिस्टर शेख बुला देते हैं इनको, उन्होंने उनको लोन दिया 50 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10%। अब नॉन रेजिडेंट को इनकम देनी है, इंटरेस्ट देना है 5 लाख रुपए का, इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹5 लाख इज पेबल बाय नॉन रेजिडेंट टू वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹5 लाख इज पेबल बाय मिस्टर शेख टू मिस्टर जॉन। ठीक है, तो एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट में 5 लाख की इनकम जाएगी, तो क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी? अब अगेन जो हमने केस नंबर टू में पढ़ा, यूसेज ऑफ लोन देखना है, यूज कहाँ हुआ है वो लोन। अगर इंडिया में नहीं हुआ तो भूल जाओ, हमारा केस थोड़ी है, ऐसे तो दुनिया वाले लोन लेते हैं, सारे इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे, तो ये कोई बात थोड़ी होती है। तो अगर बाहर ही यूज किया है तो भूल जाओ, इंडिया में कोई टैक्सेबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर यूसेज ऑफ लोन इज इन इंडिया, देन इंटरेस्ट इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया ऑफ द नॉन रेजिडेंट। अगर यूसेज ऑफ लोन इंडिया में है, जो 50 लाख रुपए है जो मिस्टर शेख ने इंडिया में लिए, सॉरी बाहर लिए, दुबई में लिए, और वो बाद में आगे उनका कोई बिजनेस है इंडिया में या कुछ भी बिजनेस है और वो उसके लिए यूज करते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, एक पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, एक पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है, वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेप्ट, जहाँ पे जो इंटरेस्ट जो है पेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेप्ट इंकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज,
जहाँ पे हमने डेप्ट इंकर किया या मनी बोरोड और यूज किया, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया. यहाँ पे देखो, अगर बात करें वो सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की बात कर रहा है. मैंने आपको क्या बोला था पहले उसमें, कि एक जो पर्सन है वो इंटरेस्ट कैसे अर्न कर सकता है, या तो लोन के जरिए या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए. एक जो पर्सन है वो इंटरेस्ट कैसे अर्न कर सकता है, या तो लोन के जरिए या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए. तो अगर आपने लोन का मनी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज किया है तो आपका इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा. बट अगर मैंने लोन का मनी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया है तो क्या मेरा इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा? द आंसर इज नो. इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ. मेरे ये मिस्टर जॉन है और ये मिस्टर शेख है, दोनों ही नॉन रेजिडेंट है. मिस्टर जॉन ने मिस्टर शेख को 50 लाख का लोन दिया एट द रेट ऑफ 10% एंड 5 लाख का इंटरेस्ट उनको पे करना है. मिस्टर शेख को मिस्टर जॉन को पे करना है और ये उनकी इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी. इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी वो तो बात ही अलग अलग की बात देखेंगे, लेकिन ये मिस्टर जॉन की इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी. अब जो सेक्शन ये 915 है, इसका जो पॉइंट नंबर 3 है जो कि बात करता है पेबल बाय नॉन रेजिडेंट, जो 5 जो 5th पॉइंट है ना, उसमें तीन पेबल कैटेगरीज आती है, तीन पेयर की कैटेगरीज आती है, गवर्नमेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट. गवर्नमेंट तो जिसको भी इंटरेस्ट पे करेगी सारा टैक्सेबल है जी, वो तो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया है चाहे कुछ भी हो जाए. रेजिडेंट, रेजिडेंट में अगर यूसेज ऑफ लोन इंडिया में है टैक्सेबल है, नहीं है तो फिर हमारा नहीं होगा टैक्सेबल. बट यस, अगर ये वाला केस आता है जहाँ पे नॉन रेजिडेंट है, अब इस नॉन रेजिडेंट ने क्या करा, जो मिस्टर शेख है उन्होंने क्या करा कि जो 50 लाख का लोन है जिसमें से 40 लाख तो इंडिया में यूज करा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, 6 लाख रुपए इंडिया में ही यूज करा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, 4 लाख रुपए दुबई में यूज करा कहीं. तो अब अगर आप थर्ड पॉइंट पे आओ, जो नॉन रेजिडेंट वाला है वो हमेशा बात करता है बिजनेस और प्रोफेशन का, कि वो बात करता है कि नॉन रेजिडेंट अगर यूसेज ऑफ इंडिया, यूसेज ऑफ लोन इन इंडिया इज यूज फॉर, बेसिकली लोन इज यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, देन वही टैक्सेबल होगा. उसमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट का नहीं लिखा. दैट मीन्स कि अगर 40 लाख का 10% 4 लाख का इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा, जो 6 लाख उसने यूज करा जिसपे 60,000 की इंटरेस्ट इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, और 4 लाख की तो वो दुबई में ही यूज करा, यूसेज ऑफ लोन इंडिया में है ही नहीं, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है. तो इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 4 लाख इज टैक्सेबल इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया. सो अभी अभी हमने इंटरेस्ट के बारे में समझा कि जब भी कोई नॉन रेजिडेंट से हम कोई लोन लेते हैं और हम चाहे गवर्नमेंट या फिर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट उस इंटरेस्ट को पे कर रहा होता है, तो किस किस केस में कब कब हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम मानेंगे कि वो इनकम इंटरेस्ट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होगा. सो दिस वॉज पार्ट ए का सब पार्ट टू. पार्ट ए का सब पार्ट वन क्या था, जहाँ पे हमने सैलरी के बारे में डिस्कस किया था, एंड इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम के बारे में डिस्कस किया है. नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस पार्ट ए सीरीज का, वो ये होगा कि हम डिस्कस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, कैपिटल गेन, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी. लेकिन इसमें ये समझने वाली बात है कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके लिए आपको ये वाला वीडियो समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइक आई सेड कि एक्सप्लेनेशन, अगर आप पॉइंट नंबर 5 को समझ जाते हो तो 6 और 7 को समझना बहुत ही ज्यादा इजी है. सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सीई संसार. आई एम शिवांगी मित्तल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सजेशन, देन प्लीज ईमेल अस एट cemittal.shivangi@gmail.com or write down your comment in the comment section. Thank you so much. Have a great day.